भागलपुर के जक्षर थाना क्षेत्र के आदमपुर घाट के समीप एक क्षत बिछत शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी संख्या में लोग इसे देखने गंगा तट पर पहुंचे। अज्ञात शव बरामद होने की सूचना मिलते ही जोगसर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बरामद शव की पहचान करने में जुट गई है। इस दौरान जोगसर थाना क्षेत्र के न्यू बैंक कॉलोनी निवासी मनीष कुमार ने शव की पहचान अपने बड़े भाई मानस कुमार के रूप में की। मनीष ने बताया कि मानस दिल्ली में रहकर प्राइवेट जॉब करता था और पिछले काफी समय से वे डिप्रेशन का शिकार था और पिछले दो दिनों से उनका भाई घर से लापता था, जिसके बाद उनके परिजनों के द्वारा मानस की लगातार खोज की जा रही थी। मृतक शादीशुदा था और उसे एक बच्चा भी था। वहीं पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। पीएनबी न्यूज के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। ये पे तो फिर वो डिप्रेशन में थे, सीवियर डिप्रेशन जो है ना, तो फिर अचानक दो तीन दिन से तो, लेकिन हम लोग सपोर्ट सिस्टम था हम लोग का, ऐसा कोई नहीं पता नहीं फिर इनको क्या हुआ, परसों से ही गायब हो गए शाम में। ये दिल्ली में, दिल्ली में हाँ प्राइवेट है। क्या नाम? मानस में घर, यहाँ ऐसे घर न्यू बैंक कॉलोनी में। ठीक, हाँ शादी थी, हाँ एक बच्चा मनीष कुमार, छोटे भाई, छोटे भाई। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि ये एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर में एक काम करता है ना, उसको दिए कि आज मंदिर में सब ढूंढते हैं, ठीक है गायब, तो वो यहाँ पहले आया आदमपुर में, तो ये तो वो एक यहाँ का लोग बताए एक लाश वहाँ पड़ा, तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर।